ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हैं यूदरियल। बिना समय गवाए हम सीधा प्लान की बात करते हैं। आइए जानते हैं ICICI प्रूडेंशियल वन वेल्थ प्लान की इन्फॉर्मेशन। वन वेल्थ प्लान जो है ये एक यूनिट लिंक्ड प्लान है, मतलब कि यूलिप प्लान है। आप जो प्रीमियम पे करेंगे मार्केट में इन्वेस्ट होगा, तो ऐसे में प्रॉफिट एंड लॉस आपका रहेगा क्योंकि आपकी ही चॉइस के फंड में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है और इस पे कंपनी अपनी सर्विसेज का चार्जेस भी लेती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 8 साल से लेकर के 60 साल तक के लोग ये प्लान आराम से ले सकते हैं। मेच्योरिटी एज लिमिट 18 साल से लेकर 70 साल है। पॉलिसी टर्म 5 साल 10 साल का। मिनिमम प्रीमियम का लिमिट इसमें 50,000 रुपए का, मैक्सिमम प्रीमियम का कोई लिमिट नहीं है। शॉर्ट टर्म के साथ में ये प्लान अवेलेबल है और सिंगल प्रीमियम ये प्लान है। शॉर्ट टर्म के साथ में क्यों? क्योंकि मिनिमम पॉलिसी टर्म इसमें आपको 5 साल का देखने के लिए मिल रहा है और कोई एक्स्ट्रा ऐसा कोई चार्जेस आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको पता लगेगा। समर शॉर्ट की हम बात करते हैं, अगर आपका जो एंट्री एज है 50 साल से कम है या 50 साल जितना है तो मिनिमम समर शॉर्ट हो जाएगा 1.25 गुना आपकी प्रीमियम का जो आप प्रीमियम पे करेंगे और मैक्सिमम का लिमिट है 10 गुना आपकी प्रीमियम का। अगर एंट्री एज जो है 50 साल से ज़्यादा है तो 1.25 गुना ही मिल पाएगा आपके सिंगल प्रीमियम का। 1.25 का मतलब हो गया ना 1.25, ठीक है, गुणा कर दिया जाएगा सिंगल प्रीमियम में, क्योंकि जो प्रीमियम पेइंग टर्म एंड मोड है वो है सिंगल प्रीमियम। एक बार ही प्रीमियम इसमें आप पे कर पाते हैं। अब आप स्क्रीन को फुल स्क्रीन पे कर लीजिए राइट वीडियो को देखने के लिए। यहाँ पे आपको एक तरफ फंड्स के नेम दिख रहे हैं, यहाँ पे परसेंटेज में जो है ये फंड मैनेजमेंट चार्जेस है और फंड का नेचर आपको पता चल रहा है। हाई का क्या मतलब है कि इक्विटी में पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट होगा। मॉडरेट का क्या मतलब है कि इक्विटी में भी पैसा जाएगा और मनी मार्केट मनी इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनमें भी पैसा जाएगा, जो हार्ड कोर जो डेप्ट फंड होते हैं वहाँ पे पैसा नहीं जाएगा। लो का क्या मतलब है कि इक्विटी में पैसा ना के बराबर ही जाएगा या जाएगा ही नहीं, इन्वेस्ट ही नहीं होगा। तो ऐसे जो फंड होते हैं उनको हम बोलते हैं लो रिस्क वाले फंड। इसके अलावा ऑटोमेटिक ट्रांसफर स्ट्रेटेजी भी आपको मिल रही है जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ ऑटोमेटिकली होता रहेगा आपके बिहाफ में, कंपनी करती रहेगी। आप ये भी कर सकते हैं या मैनुअली भी आप चूज कर सकते हैं। अगर आप 10 साल का पॉलिसी टर्म लेंगे तो आप इसमें टॉपअप प्रीमियम ऐड कर पाएंगे, लेकिन पॉलिसी के आखिरी 5 साल के अंदर आप टॉपअप प्रीमियम ऐड नहीं कर पाएंगे। हर एक टॉपअप प्रीमियम पे हमें 5 साल का लॉकिंग पीरियड देखने के लिए मिलता है क्योंकि यूलिप प्लान में ऐसा ही होता है। मिनिमम टॉपअप प्रीमियम आप 2,000 रुपये का ऐड कर सकते हैं। मैक्सिमम टॉपअप प्रीमियम जितना आपका सिंगल प्रीमियम है उतना ही हम इस प्लान के साथ में ऐड कर पाएंगे। और देखिए टॉपअप प्रीमियम इस वजह से रखा जाता है मार्केट की सिचुएशन के अनुसार, अगर आपको लगे कि प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है या कुछ भी है अगर आपको दिख रहा है तो आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, एक्स्ट्रा एडवांटेज रहता है इससे, ठीक है। अगर आपने पॉलिसी 5 साल का टर्म के साथ में लिया और आपको आगे चल के लगता है कि इंक्रीज कर लेना चाहिए तो आप मैक्सिमम पॉलिसी टर्म तक इंक्रीज कर सकते हैं। अनलिमिटेड फ्री यूनिट स्विचेस इसमें मिलती हैं, लेकिन यूनिट का मिनिमम वैल्यू 2,000 रुपये होना चाहिए तभी आप कर सकते हैं। पार्शल विड्रॉल का इसमें लिमिट है राइट, सबसे पहले तो एक लिमिट है कि 18 साल की एज जब होगी पॉलिसी होल्डर की तभी आप पार्शल विड्रॉल कर पाएंगे। 5 साल जब निकल जाएंगे पहले पॉलिसी के उसके बाद ही आप पार्शल विड्रॉल कर पाएंगे। 2,000 रुपये से कम का पार्शल विड्रॉल आप नहीं कर पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा एक साल में जो आपका फंड का वैल्यू है उसका 20% से ज़्यादा आप नहीं निकाल पाएंगे पार्शल विड्रॉल। डेथ बेनिफिट की बात कर लेते हैं तो उसमें एक टर्म यूज हुई है यहाँ पे, मिनिमम डेथ बेनिफिट। अब ये मिनिमम डेथ बेनिफिट क्या है, जो आपका बेसिक प्रीमियम आपने पे किया उसके साथ जो आपका टॉपअप प्रीमियम है इसको जोड़ के उसका 105% निकाल लिया जाएगा, जो अमाउंट आएगा वो मिनिमम डेथ बेनिफिट हो जाएगा। क्योंकि कंपनी क्या पे करेगी, समर शॉर्ट या फिर फंड वैल्यू या फिर मिनिमम डेथ बेनिफिट, इन तीनों में से एट द टाइम ऑफ डेथ जो भी ज़्यादा होगा क्लेम के रूप में वो नॉमिनी को पे करेगी कंपनी अपनी तरफ से, क्योंकि यूलिप प्लान में लाइफ कवर होता है तो डेथ बेनिफिट भी मिलते हैं। अब वेल्थ बूस्टर की बात कर लेते हैं। अगर आपने 5 साल का पॉलिसी टर्म लिया होगा तो जो आपका प्रीमियम है ना सिंगल प्रीमियम बेसिक उसका 2.5% आपको थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म ये मिलता रहेगा। अगर 10 साल का पॉलिसी टर्म आपने लिया है तो आपका सिंगल प्रीमियम एंड टॉपअप प्रीमियम दोनों को जोड़ लो और उसका 2.75% जो है वेल्थ बूस्टर हमें इसमें बेनिफिट देखने के लिए मिल जाता है। बट एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि इस प्लान में आपको सेटलमेंट का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि अगर आप चाहें मेच्योरिटी बेनिफिट इंस्टॉलमेंट में लेना तो आप इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। उसके लिए 5 साल का पीरियड है और जो पहला इंस्टॉलमेंट होगा मेच्योरिटी पे ही पे किया जाएगा। अब यूलिप प्लान के अंदर जो मेच्योरिटी बेनिफिट होता है वो फंड वैल्यू ही मिलता है, ये चीज़ हम लोग जानते हैं। 0 प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस है, मतलब जो आप प्रीमियम पे करेंगे वो डायरेक्टली इन्वेस्ट होगा, उसमें से कोई डिडक्शन नहीं होगी। पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस भी आपको नहीं लगेंगे इस प्लान में।
इसी के साथ में अब आपको पता चल रहा है यहाँ पे पॉलिसी डिसकंटिन्यू चार्जेस के बारे में। तो 5 साल से पहले पहले अगर पॉलिसी को आप डिसकंटिन्यू करते हैं तो आपको डिसकंटिन्यू चार्जेस देने होंगे। 5 साल या उसके बाद करते हैं पॉलिसी को डिसकंटिन्यू तो कोई चार्जेस आपको यहाँ पे नहीं पे करना होगा। फॉर एन एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर आपका जो प्रीमियम है वो 3 लाख रुपए के बराबर है या 3 लाख रुपए से कम है, पहले साल पे पॉलिसी को डिसकंटिन्यू कर रहा है तो 3,000 रुपए का चार्जेस लगेगा। लेकिन अगर प्रीमियम 3 लाख रुपए का है या 3 लाख से मतलब 3 लाख से ज़्यादा का है तो 6,000 रुपए तक। चौथे साल में करेंगे तो 1,000 रुपए लगेगा अगर 3 लाख के बराबर या 3 लाख से कम का प्रीमियम है, बाकी उससे ज़्यादा है तो 2,000 रुपए। फ्री लुकअप पीरियड आपको मिलता है 15 डेज का डायरेक्ट बाय करने पे, इनडायरेक्ट या इंटरनेट सोर्सेज के थ्रू बाय करने पे 30 दिन का आपको मिलेगा फ्री लुकअप पीरियड। अगर पार्शल विड्रॉल का जो अमाउंट है वो आपके सिंगल प्रीमियम जितना हो चुका है उसको क्रॉस कर रहा है ठीक है, तो आपको वेल्थ बूस्टर का बेनिफिट देखने के लिए नहीं मिलेगा। आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक। इस प्लान में लोन का बेनिफिट देखने के लिए नहीं है, ज़रूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए है, 5 साल के लिए ले लो अगर ऐसी ही बात है तो, प्लान करके लेना ठीक है। बिना प्लान करे लेंगे तो दिक्कत होती है। टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं 80C और 1010D के अंदर। अब मान लिया हमने यहाँ पे 35 साल की एज है, प्रीमियम हम पे कर रहे हैं 1 लाख, पॉलिसी टर्म हमने यहाँ पे ले लिया 10 साल का, ठीक है जी, समर शॉट हो गया हमारी जो सिंगल प्रीमियम है उसका 10 गुना 10 लाख का, तो हमारा जो यहाँ पे जो बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा 10वें साल पे वो 1,92,167.01 ये बेनिफिट हमें मिल जाएगा। रेट जो हमने माना है वो माना यहाँ पे हमने 6.75 का, भाई इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे और भी ज़्यादा हो सकता है। अब जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहता हूँ और आपको ध्यान रखना है, दूसरों को भी बताना है कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है और प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते। इसका कंप्लीट PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आप चेक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अंजलि जी ने ये प्रश्न